आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन, सबका विकास चाहता और चाहता हूँ बस अमन। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूँ। जो आप है वही मैं हूँ वही आप है। देश के प्रधानमंत्री और देश के सामान्य नागरिक के बीच जब दूरी मिट जाती है, उससे स्वर्णिम कोई अवसर नहीं होता है। आइए संभाल के, कोई रिश्तेदार लगते हैं? ठीक से ले जाना भाई। अरे चचा, कोई पहचान वाली थी का? नहीं, पैसेंजर थी, दर्द में थी बिचारी। तो अंदर तक छोड़ने के पैसे थोड़ी ना देता है पैसेंजर। इतना टाइम खोटी करेंगे तो कमाएंगे कब हम ऑटो वाले? ऑटो वाला, मैं तो एक चौकीदार भी हूँ भैया, और देश के चौकीदार के साथ ड्यूटी निभा रहा हूँ, देश को बेहतर बनाने की ड्यूटी। ये चौकीदार अड़ा है, अपने इरादों पर खड़ा भी है। मैं देश के विकास में छोटा सा भागीदार हूँ। नमस्कार सर। अरे देखिए ना सर, कितने कम नंबर आए हैं मोनू के। पर चित्रकारी तो देखिए बच्चे की, चीजों को कागज पर जिंदा कर देता है। इसकी कला को नंबर्स में मत बांधिए भाई साहब। थैंक यू सर। सीमा बेटा, अम्मा तो अब ठीक है ना? तो अब तुम खूब मेहनत करना, देखना अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जाओ सबके साथ खेलो। अरे संदीप सर, आप तो गणित के शिक्षक हो ना, फिर ये जिंदगी का बोझ ले क्यों घूमते हो यार? मेहता सर, मैं केवल एक शिक्षक नहीं, एक चौकीदार भी हूँ, इनके भविष्य का चौकीदार। जब इस देश का चौकीदार दिन के 18-18 घंटे काम कर रहा है, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? ये चौकीदार न सोता है, और कितना ही अंधेरा क्यों न हो, चोरों को पकड़ने की ताकत रखता है। मैं नए भारत की कल्पना, मैं नए भारत की कल्पना से सहमत विचार हूँ। मैं भी चौकीदार हूँ। सर मैं कैश में आपको कार नहीं दे सकता। Honey, I want that car. ये 2 लाख रुपए रखो और कुछ जुगाड़ करो। सॉरी सर। फाइनेंस में कच्चे हो बच्चे? सर कच्चा नहीं हूँ, सच्चा हूँ, सच्चा चौकीदार हूँ। देश का चौकीदार अकेला नहीं है, मैं भी उसके साथ। झूठ के कपाल पे मैं सत्य का प्रहार हूँ, मैं सरहदों के हौसलों के साथ एक हुंकार हूँ। हमें बहुत आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बनाना है, उन्हें डॉक्टर भी बनाना है, इंजीनियर भी बनाना है, सेना का जवान भी बनाना है, देश का प्रधानमंत्री भी बनाना है। लेकिन हम सबको हमारे बच्चों के भीतर भी उस चौकीदार के संस्कार बनाए रखना है, उसके भीतर का चौकीदार जिंदा रखना है। हाँ माँ। कड़ी देख, अकेला तू ही एक डॉक्टर है शहर में? माँ माँ, एक्चुअली मैं डॉक्टर कहाँ हूँ, मैं तो चौकीदार हूँ। अरे समाज की हेल्थ का चौकीदार। आप दोनों खाना खा लो, मैं आता हूँ। अकेला देश का चौकीदार ही रात को काम करेगा क्या? मैं भी उसके साथ हूँ। आज पूरा देश चौकीदार होने की शपथ ले रहा है। आज चौकीदार शब्द देशभक्ति का पर्याय बन गया है, ईमानदारी से काम करने का पर्याय बन चुका है। काफी मीठा है ना? पिचाटो जरा। अरे अरे क्या कर रहे हो, इसमें डालो। अब गाड़ी गंदी थोड़ी ना करनी है, हमारा शहर तो साफ रहेगा ना। क्यों मम्मी, आप टीचर हो क्या? नहीं बेटा, चौकीदार। इस देश का चौकीदार अकेला नहीं है, मैं भी उसके साथ।
घर हो या कोई जगह कूड़ा नहीं फैला कि मैं कि भ्रष्टाचार काले धन से जम के लड़ जाती मैं नए भारत की नींव का मैं नए भारत की नींव का पहला कार हूँ हाँ मैं भी चौकीदार हूँ देश के समाज की भलाई के लिए जो भी काम करते हैं दूसरों के सपनों को सुरक्षित रखने का काम करते हैं दूसरों के सपनों को सजाने का काम करते हैं वे सारे चौकीदार हैं। मम्मी अब तो मैं और मनोज इतना अच्छा कमाते हैं फिर भी हम गैस की सब्सिडी क्यों ले रहे हैं तो लौटा देते हैं किसी और गरीब के काम आएगी ना अरे मुफ्त की चीज कभी कोई लौटाता है क्या पागल हो पागल नहीं है माँ चौकीदार हूँ और देश के चौकीदार के साथ हूँ पीछे नहीं किसी से भी मेहनत से करते काम हूँ घर घर के उज्ज्वलता में मदरसा में नाम कि देश के विकास में मैं भी कप्तान हूँ आज मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा कि आप आश्वस्त रहिए 5 साल में हमने इतने कदम उठाए हैं कि आज विकास का सूरज उग चुका है और गरीबी के अस्त होने का तक हम चैन से नहीं बैठेंगे चौकीदार चैन से नहीं बैठेगा आने वाले दिनों में इसके लिए हम मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे मैं भी चौकीदार हूँ।